लजीज वेज मोमोज बनाने के लिए हमें जो मेन सामग्री चाहिए उसके लिए हमने लिया है सबसे पहले मैदा, ये करीब 300 ग्राम है, और ये बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई फूलगोभी, और बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, और छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए लहसुन, हरी मिर्च, और भी जो चीज़ें होंगी अभी हम आपको थोड़ा थोड़ा करके बताते जाएंगे। तो सबसे पहले इनको हम बघार लेते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे पैन, इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, तो हमको अंदाज़ा इस वजह से वैसे डाल रहे हैं, आप नाप के भी डाल सकते हो। तो ये हो गया 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म होने पर सबसे पहले हम डालेंगे इसमें लहसुन, उसके बाद हरी मिर्च, अब हम डालेंगे इसमें प्याज। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, फिर भी इसका कच्चापन चला जाए बस इतना हमें पकाना है। हल्की सी लाल हो जाए प्याज, उसके बाद हम और सब्जियां इसमें डालेंगे। बस अब इसमें हम डालेंगे पत्ता गोभी। सारी सब्जियों को हमें डाल देना है। आप इसके साथ गाजर सॉरी इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा विनेगर, जिसमें मैंने हरी मिर्च को पहले से डाल के रखा हुआ है। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार नमक डालें। अब सब्जियों को थोड़ा पकने तक हम इसे थोड़ी थोड़ी देर पर ऐसे चलाते हुए इसे हम पका लेंगे। 10 मिनट तक इसे पकाने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे इसकी कवरिंग। अब हम ये लेंगे मैदा, 300 ग्राम मैदा है। अब इसमें जाएगा नमक, स्वाद के हिसाब से आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए तो बढ़िया रहेगा। और इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना, बस वही। चाहे तो आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन हम तेल नहीं मिलाएंगे। अब इसको हम इस तरह से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथेंगे। बहुत मुलायम आटा नहीं बनाना है, थोड़ा सा टाइट ही रहे, ताकि हम इसमें अच्छे से इसकी पूड़ियाँ बेल पाएँ। अरे अभी अभी सब वो सब तो हो गया है ना, फास्ट कर देंगे। चलो इसमें बोल सकते हैं ये जो डाल देना। तो अब आटा अपना गूंथ गया है, बहुत ही अच्छा आटा बना है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखेंगे, तो क्लीन रैप से इसको हम रैप कर देंगे इस तरह से। और इसी तरह से हम छोड़ देंगे इसे 10 मिनट के लिए। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं बेलने की। तो अब हम इसको खोलेंगे और
इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। तो इसके लिए हमने लिया है ये चॉपिंग बोर्ड। इस तरह से बराबर बराबर हम लोइयाँ काट लेंगे। इस तरह से इसके हम पेड़े बना लेंगे। सारे पेड़े बन जाएंगे तो हम इनकी पूरियां बनाएंगे। तो हम आटा लगाएंगे थोड़ा थोड़ा और इसकी पूरियां बेलेंगे। डालेंगे थोड़ा सा मैदा, तेल भी लगा सकते हो, और इसकी पतली पतली पूरियां बेलेंगे। जितनी पॉसिबल हो उतनी आप पतली पूरियां बेलिए। इस तरह से हमें पूरियां बेल लेनी है सारी। मैदा है तो थोड़ा चिपकने का डर रहता है, तो संभाल के और सावधानी से इसे बेलिए, आसानी से बेल जाएगी। इस तरह से हम अपनी सारी पूड़ियाँ बेल लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। अब हम लेंगे एक पूरी और इसमें हमारी ठंडी हो चुकी फिलिंग को बीच में डालेंगे। भर के डालिए अच्छे से, इतना भी ज़्यादा नहीं कि बाहर निकलने लगे। इस तरह से अब हम एक किनारे से उठाएंगे और इसको इस तरह से चुन्नट बनाते चलेंगे दबाते हुए। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर और हम थोड़ा सा पानी लेंगे और ऐसे लगा देंगे ताकि आपस में अच्छे से चिपक जाए। और इस तरह से हम बराबर कर देंगे, इसको चिपका देंगे और ये हमारा मोमोज बनके तैयार है स्टीम होने के लिए। तो इसी तरह से हम अब अपने सारे मोमोज को फिल कर देते हैं। हमने स्टीम होने के लिए रख दिया था, पानी पहले से गर्म हो रहा है। अब अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें हम पहले लगा देंगे तेल ताकि हमारे मोमोज चिपके ना आपस में, अच्छे से चारों तरफ फैला के। अब हम इसमें अपने मोमोज को सेट करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा दूरी बनाते हुए इनको हम रखेंगे चिपके ना, ताकि ये और इसके बाद हम इसको 10 से 15 मिनट तक स्टीम होने देंगे। इतने में ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा। अब इसको हम कवर कर देंगे, 10 से 15 मिनट बाद चेक करेंगे। अब हमारे मोमोज अच्छे से हो गए हैं, ये देखिए। अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं।
सावधानी से, और फिर उसके बाद दूसरा बैच रखेंगे। इसके ऊपर आप चाहें तो बटर लगा सकते हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये मेयोनी है और ये चटनी है जो कि मोमोज के लिए ही मैंने बनाई है। अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी तो आप कमेंट करिए, हम इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मोमोज के साथ में जो बाज़ार में चिप्स भी रखी जाती है, आप उसके साथ इसको सर्व कीजिए और इन्जॉय करिए। अब इसके साथ मेवनी चटनी जो कि मोमोज के लिए ही बनी है, और ये है मोमोज, इसको तो आप जानते ही हैं, वर्ल्ड फेमस मोमोज है। और उसके साथ हमने रखी है चिप्स, तो इसको आप अपने घर पे एंजॉय करिए बना के, और अपने कमेंट हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।